हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज आपका लेक्चर है फोर्थ ईयर का, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, कोड 401। सो हम बात कर रहे थे आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा जी के बारे में, जिसमें 9 पॉइंट हैं हमारे। जीवन परिचय, कला प्रशिक्षण, कला साधना, प्रसिद्धि व सम्मान, कला कार्य, प्रमुख चित्र व शीर्षक, चित्र संग्रह, आलोचना एंड मृत्यु। ठीक है, तो इसमें कल हमने 2 टॉपिक किए थे, जीवन परिचय और कला प्रशिक्षण और कला साधना। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रसिद्धि व सम्मान। तो जो राजा रवि वर्मा जी की प्रसिद्धि थी और जो उनको सम्मान मिला था, इसके बारे में इसमें बताया गया है। राजा रवि वर्मा का यह एक सुखद संयोग ही था कि एक ओर इन्हें राज परिवार का संरक्षण प्राप्त था, वहीं दूसरी ओर युवा अवस्था से ही इन्हें प्रसिद्धि व पैसे की प्राप्ति हुई। तो जो राजा रवि वर्मा जी थे, तो उनका ये सुखद संयोग बताया इन्होंने कि एक ओर तो उन्हें राज परिवार का संरक्षण प्राप्त था, यानी वो राज परिवार से थे, और दूसरी ओर युवा अवस्था से ही इन्हें प्रसिद्धि व पैसे की प्राप्ति हुई। मतलब जब ये युवा अवस्था में थे, तब से ही इन्हें प्रसिद्धि भी मिल गई थी और पैसे की प्राप्ति भी हुई थी। तो इनके लिए ये एक सुखद संयोग था कि दोनों साइड से इनको काफ़ी अच्छा रहा, पैसे में भी और प्रसिद्धि में भी। सन 1873 ईस्वी में चेन्नई शिल्पशाला के अधिष्ठाता चेष्टमठ रावणकोर आए। वे राजा रवि वर्मा की चित्रकला को देखकर प्रभावित हुए। तो सन 1873 ईस्वी में जो चेन्नई शिल्पशाला के अधिष्ठाता थे चेष्टमठ, वो त्रावणकोर से आए थे, और राजा रवि वर्मा की चित्रकला जब उन्होंने देखी तो वो उससे काफ़ी प्रभावित हुए, उनको अच्छी लगी। चेष्टमठ जी जो थे, उनमें राजा रवि वर्मा को चेन्नई कला प्रदर्शनी के लिए चित्र बनाने का अनुरोध किया है ना। जो मतलब चेष्टमठ जी थे, वो उन्होंने राजा रवि वर्मा को चेन्नई कला प्रदर्शनी के लिए चित्र बनाने का अनुरोध किया। जो चेन्नई कला प्रदर्शनी होनी थी, उसके लिए उन्होंने चित्र बनाने के लिए उनको बोला। त्रावणकोर महाराजा का संरक्षण प्राप्त कर अथक परिश्रम द्वारा एक चित्र निर्मित किया। जो महाराजा थे, उनका संरक्षण प्राप्त कर उन्होंने अधिक परिश्रम कर, मतलब उन्होंने अच्छे से उनको चित्र निर्मित करके दिया। चित्र में नायर महिला बालों को चमेली के हार गूंथती हुई चित्रित है। वो चित्र में मतलब क्या दिखाया है, जो उनसे चित्र बनवाया था जो महिला थी, नायर महिला, वो बालों को चमेली के हार। तो इस चित्र से रवि वर्मा जी की काफ़ी धूम हुई थी, है ना। तो उस चित्र में उन्होंने क्या दिखाया था, जो नायर महिला थी वो बालों को चमेली के हार गूंथती हुई चित्रित है। ठीक है, और इस चित्र से मतलब उन्होंने इतना अच्छा चित्र बनाया था ये, कि इस चित्र से उनकी काफ़ी धूम मच गई थी। 25 वर्ष की उम्र में इस चित्र पर 25 वर्ष की उम्र में इस चित्र पर तत्कालीन गवर्नर का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। यानी इतना अच्छा उनका वो चित्र बना था कि 25 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने गवर्नर का स्वर्ण पदक इन्हें प्राप्त हुआ इस चित्र के लिए। इस सफलता ने उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब ये जो सफलता उन्हें मिली थी, तो उस सफलता ने उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी इस कृति ने वियना की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में योग्यता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। मतलब जब ये सफलता हुई, तो उनके भविष्य का मार्ग उसमें प्रशस्त किया। उनकी इस कृति ने वियना की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में योग्यता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। मतलब जो ये इनकी पेंटिंग थी, तो जो अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी थी, उसमें भी योग्यता इन्होंने प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। इसके पश्चात 1880 ईस्वी में पुणे प्रदर्शनी का गायकवाड स्वर्ण पदक व सन 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार का
केसर ए हिंद मेडल उल्लेखनीय है। इसके उपरांत ही वे राजा रवि वर्मा से राजा रवि वर्मा कहलाए, सॉरी रवि वर्मा से राजा रवि वर्मा कहलाए ना। मतलब उनकी जो ये कृति थी वे इतनी अच्छी उन्होंने बनाई थी कि इनको अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में भी योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इसके पश्चात 1880 ईस्वी में पुणे प्रदर्शनी का गायकवाड स्वर्ण पदक मिला इन्हें और 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार का केसर ए हिंद मेडल उल्लेखनीय है। इसके उपरांत ही इनको रवि वर्मा से राजा रवि वर्मा ये कहलाए। 1901 ईस्वी में रवि वर्मा उदयपुर दरबार के निमंत्रण पर उनके यहाँ गए तथा कुछ अन्य चित्रों के साथ उन्होंने वहाँ महाराणा प्रताप का भी एक सुंदर व्यक्ति चित्र बनाया ना। 1901 ईस्वी की बात है जब रवि वर्मा उदयपुर दरबार के निमंत्रण पर उनके यहाँ गए थे तथा कुछ अन्य चित्रों के साथ उन्होंने वहाँ महाराणा प्रताप का भी सुंदर व्यक्ति चित्र बनाया और वो काफ़ी अच्छा चित्र बना था जो इन्होंने उनका व्यक्ति चित्र बनाया था। बाद में उन्होंने मैसूर के जगमोहन महल हेतु पौराणिक आख्यानों पर आधारित कुछ चित्र बनाए। मतलब बाद की बात है, इन्होंने मैसूर के जो जगमोहन महल है उसके हेतु पौराणिक आख्यान पर आधारित कुछ चित्र इन्होंने बनाए थे। जाहिर है कि ऐसा करते हुए उन्होंने पर्याप्त धन अर्जित किया, यानी मतलब जब उन्होंने ये बनाए होंगे तो उन्होंने अनुमान लगाया कि उन्होंने पर्याप्त धन अर्जित किया होगा। अब नेक्स्ट है कलाकार। ये भारत के अनेक कला तीर्थों और धार्मिक स्थलों में घूम घूम कर इन्होंने वहाँ की पौराणिक वेशभूषा रीति रिवाजों का अवलोकन किया है ना। तो मतलब भारत के जो कितने तीर्थ हैं और धार्मिक स्थल हैं तो उन्होंने घूम घूम कर वहाँ पे इन्होंने वहाँ की पौराणिक वेशभूषा और रीति रिवाजों का अवलोकन भी किया है। काफ़ी जगह घूमे हैं ये, तीर्थों पर भी घूमे हैं और धार्मिक जो स्थल होते हैं वहाँ पर भी ये काफ़ी घूमे हैं। तो इन्होंने सबकी वेशभूषा रीति रिवाजों का इन्होंने अवलोकन भी किया। अध्ययन स्वरूप राजस्थान, दिल्ली, कोलकाता, नाभा, लाहौर, तंजौर, मायावरम तथा श्रीरंगम के तीर्थ स्थलों की यात्रा की। ये बताया इन्होंने जगह, इन्होंने राजस्थान की भी, दिल्ली की भी, कोलकाता की भी और नाभा की भी, लाहौर की भी, तंजौर की भी, मायावरम की भी, श्रीरंगम, ये सब तीर्थ स्थल जो हैं वहाँ की इन्होंने यात्रा की थी तथा विभिन्न स्थानों के चित्रकारों से संपर्क स्थापित किया। मतलब अलग अलग जगह की इन्होंने यात्रा भी की और काफ़ी जो चित्रकार थे उनसे इन्होंने संपर्क भी स्थापित किए थे जहाँ ये अलग अलग जगह गए थे। अनेक स्थानों पर तेल रेल सुविधा उपलब्ध न होने के बावजूद अन्य साधनों द्वारा अपनी यात्रा पूर्ण की। तो इन्होंने कितने ही चित्रकारों से अपने अच्छे संपर्क स्थापित किए। अनेक स्थानों पर तेल रेल सुविधा उपलब्ध न होने के बावजूद अन्य साधनों द्वारा अपनी यात्रा पूर्ण की। मतलब बहुत सारे स्थान थे जहाँ पे रेल की सुविधा नहीं थी तो उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी यात्रा अन्य साधनों से भी, जैसे भी इन्होंने किया होगा, पर अपनी यात्रा इन्होंने पूर्ण जरूर की। अपनी यात्रा अनुभवों को जब उन्होंने चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया तब भी उन पर तत्कालीन संपर्क संपन्न एवं समर्थक परिवारों की इच्छा ही हावी रही। मतलब जो इनकी यात्रा थी और उसके जो अनुभव थे, तो जब भी इन्होंने चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया, जैसे हमारी कोई भी अच्छी मेमोरीज होती है और हम जैसे मेमोरी ड्राइंग करते हैं ना, तो मतलब इन्होंने अपने चित्रों में सबके अनुभव को अच्छे से प्रस्तुत किया था चित्र के रूप में, सब पेंटिंग्स में बनाए थे, तब भी उन पर तत्कालीन संपन्न एवं समर्थ परिवारों की इच्छा ही हावी रही। इनके चित्रों की रंग योजना सदैव सुहानी होती थी। मतलब जो भी ये चित्र बनाते थे उनकी जो रंग योजना थी वो सदैव सुहानी होती थी, जो मन में गंभीर भाव जगाए। जैसे गहरे लाल, नीले, पीले, हरे, गहरे लाल, नीले, पीले, हरे, सुनहरे, जामनी रंगों का प्रयोग करके इन्होंने परंपरागत लालित्य को तेजोदीप्त रूपों में ढाला। वह कृत्रिम औपचारिकताओं से परे यथार्थ छवियों की सी मासलता प्रदान की। इनके चित्रों में चटक रंगों का अभाव पाया जाता है। मतलब इनको ज़्यादा चटक रंग पसंद नहीं थे तो इनके चित्रों में ज़्यादा चटक रंग आपको नहीं मिलेंगे, जो चित्रकार की शांत प्रवृत्ति का द्योतक है। यानी ये पता चलता है कि जैसे कहता है ना, कलर से पता चल जाता है, तो इससे पता चलता है कि इनकी शांत प्रवृत्ति का ये द्योतक है।
रंगों के माध्यम से दर्शक के मन को उल्लास, करुणा व दात्यमय का भाव जागृत होता है। मतलब जो रंग है उसके माध्यम से जो दर्शक है यानी जो देखने वाले होते हैं उनके मन को उल्लास, करुणा, मतलब अलग अलग उनके मन में भाव उत्पन्न होते हैं। वे रंगों के द्वारा छाया प्रकाश से चेहरे की भाव भंगिमाओं को अंकित करते थे। मतलब वो कलर्स के द्वारा ही जो छाया प्रकाश दिखाते हैं, चेहरे के भाव दिखाते हैं, वो उनको अंकित करते थे। उनकी आकृतियों में रंग प्रमुख है, रेखाएं नहीं, यानी मतलब कलर्स पर वो ज़्यादा ध्यान देते थे। कलर्स ज़्यादा उनकी जो पेंटिंग्स थी, आकृतियाँ थी जो, तो उसमें रंग ज़्यादा प्रमुख होते थे, रेखाएं नहीं, रेखाओं पे वो इतना ध्यान नहीं देते थे। राजा रवि वर्मा के चित्रों में रंगों की निरंतरता गजब की है। मतलब जो इनके चित्रों में रंगों की निरंतरता यानी दिखाई गई है एक साथ, वो इनकी बहुत ही अच्छी गजब की दिखाई गई है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है, फिर नेक्स्ट अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।